हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। नहीं तो आप लोग सोचोगे ना, भाभी कहाँ पे जा रही हो। तो हमारी जो है फैमिली है, अम्मा है, बाबू हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, चाचा हैं, खुशी हैं, जानवी हैं और अभय हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो मम्मी का मनना था, उन्होंने पूरा नहीं किया क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, तो इसी वजह से सारे मंदिरें तो बंद थी। तो फाइनली अब मंदिर का पार्ट खुल चुका है, अब आप दर्शन आराम से कर सकते हो। तो वही हम लोग भी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। मम्मी जा रही हैं तो हमने कहा कि चलो मम्मी हम भी साथ में चलते हैं। तो मम्मी ने कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो वही हम लोग भी कार से जा रहे हैं, कार नहीं है, फोर व्हीलर, मतलब बड़ी वाली गाड़ी है, तो उसी से हम जा रहे हैं। तो चलो अभी हम आप लोगों से थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ एक रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। इस शैम्पू को मैंने purple.com ऐप को डाउनलोड किया था और उसके ज़रिए मैंने इस शैम्पू को मंगवाया हुआ है, क्योंकि इसके चर्चे मैंने काफ़ी सुने थे। तो मैंने सोचा चलो इसे मंगवा के एक बार आजमा लेते हैं, अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तभी हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो इसका जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा आया, तो हमने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। दोस्तों, एकदम ये जो शैम्पू का पेस्ट है एकदम केले की तरह है, अभी हम आपको खा देंगे। और इसकी जो खुशबू है एकदम केले की तरह है, कोई अलग से कोई खुशबू नहीं है, सिर्फ केले ही है। अगर आपको ये शैम्पू पसंद आया हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक करके ले लीजिएगा। इस शैम्पू को लगाने से आपके बाल जो है रेशमी और मुलायम हो जाएंगे और आपके बालों में चमक आएगा। और इसकी पैकेजिंग पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि इसमें क्या पाया जाता है और आपको किस तरीके से लगाना है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। 1 चम्मच शैम्पू लेना है और 3 चम्मच पानी लेना है और दोनों को मिक्स करके अपने बालों में पतला करके लगाना है। उसके बाद साफ पानी से धुल देना है। चुके हैं, आप लोग देख रहे हो ना, भगवान की प्रतिमा आपको दिखाई दे रही नहीं, बहुत बड़ी मूर्ति है हनुमान जी की। अभी हम आप लोगों को लेके चल ही रहे हैं, दूर से क्या दिखाना, मंदिर के अंदर चलेंगे तब आप लोगों को एकदम नज़दीक से भगवान का दर्शन कराएंगे। हाँ, अभी यहाँ से आप देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत ही बढ़िया गार्डन बना हुआ है, जैसे पार्क होता है ना उसी तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। तो हम मम्मी हैं और जानवी हैं, दादी को दवा लेना था, दादी चली गई हैं, अभी आ जाएंगी वो थोड़ी देर में। तो यहाँ पे देख रहे हो माली से हम लोग फूल माला और लड्डू ये सब ले रहे हैं हनुमान जी को चढ़ाने के लिए। तो चलो अभी हम आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलते हैं, चले ले लें जल्दी से फटाफट। तो दोस्तों, हमने माला फूल ले लिया है और अब चलते हैं मंदिर के अंदर भगवान का दर्शन करने के लिए। आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे गोला बनाया हुआ है, 1 मीटर की दूरी पे है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। अभी हम आप लोगों को पार्क घुमा देंगे, लेकिन सबसे पहले हम मंदिर का दर्शन कर लेते हैं। आ गए हैं इच्छा पूर्ति मंदिर दर्शन करने के लिए, हनुमान जी का मंदिर है। और अभी इस समय हम चल रहे हैं अंदर मंदिर के अंदर और आप लोग को दर्शन करवाते हैं। ये है मंदिर का पार्ट खुल चुका है और हम लोग अब मंदिर के अंदर जा रहे हैं, पुजारी जी अंदर हैं, हम लोग को दर्शन करवाएंगे। और आप लोग देख ही रहे हो, हम लोग नियम का पालन कर रहे हैं, पुजारी जी भी ने मास्क लगाया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे दान पेटी रखी हुई है, अब इसी अगर आपको दान देना है तो आप इसी पेटी में गुप्त दान दे सकते हो, और अगर आपको गुप्त नहीं देना है तो आप जो है भगवान के सामने अर्पित कर सकते हो, लेकिन हम लोगों को गुप्त देना था तो इसलिए मम्मी ने दान पेटी में डाल दिया।
और इसके बाद मैंने वहाँ पे दर्शन कर लिया। अब चलो चलते हैं, सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं, क्योंकि जो भगवान की सबसे बड़ी प्रतिमा है बाबा बजरंगबली की, वो ऊपर है, तो हम लोग अब सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और हाँ, मैं फर्स्ट बार आई हूँ, जैसा मैंने आपको कहा था, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है और कुछ नया नया चीज़ देखने को मिल रहा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हो सकता है आपको भी बाबा बजरंगबली का ये धाम पसंद आया हो, और ना भी पसंद आया हो तो आप लोग भाभी के कहने से दर्शन कर सकते हो। वैसे मुझे 100% विश्वास है कि आजकल ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसे भगवान के प्रति आस्था ना हो और श्रद्धा ना हो। मुझे 100% विश्वास रहता है, जब भी हम मंदिर जाते हैं कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करते हैं, और हम यही चाहते हैं कि जैसे हम दर्शन कर रहे हैं आप भी दर्शन कर लीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून भी मिल रहा है ना। ये देखो, मुझे प्रसाद दी है, जो वहाँ मंदिर के बाहर थी उन्होंने मुझे प्रसाद दिया था चढ़ाने के लिए। तो यहाँ भी जो है नियम का पालन किया जा रहा है, नीचे जो है धूप दीप नहीं चलाया जा रहा है, सिर्फ ऊपर आके आप कर सकते हो पूजा, और वो भी दूरी बना के कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और यहाँ का जो बगीचा है बहुत ही खूबसूरत है। अभी हम आप लोग को थोड़ी सी सैर करा देंगे इस मंदिर का। और ये जो मंदिर है काफ़ी खूबसूरत है, हनुमान जी का मंदिर है। ये देखो, यहाँ पे कलश स्थापित किया गया है, कमल का फूल है जो कि बनाया हुआ है। ये देखो, यहाँ भी एक है, और ये मंदिर जो है हनुमान जी का बहुत ही ऊपर है। ये देखो, देख रहे हो, जानवी और मम्मी परिक्रमा कर रही हैं, और खुशी भी हैं, भैया को लेके आ रही हैं, वो भी कर रही हैं। तो चलो हम भी कर लेते हैं, अभी दर्शन करवा देते हैं। मन में कोई भी इच्छा है मांगने की या कुछ मनोकामना पूर्ण करवाने की, तो आप दिल से मांग सकते हो, क्योंकि जो भगवान जी हैं वो बहुत ही जल्दी आपका जो है मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जय कपीश त्रिलोक उजागर, राम दूत अतुलित बलिदामा, अंजन पुत्र पवन सुत नाम। पार्क घुमाते हैं, हनुमान जी का जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं ना, फूल, ये है गुलाब का फूल। ये देखो कितने प्यारे प्यारे खिले हुए हैं ना, छोटे छोटे पौधे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मंदिर के जो है ना चारों तरफ फूल लगाए गए हैं, मुझे फूल का नाम नहीं पता, हाँ जो जो नाम पता है मैं बता दूँगी, कि एक साइड जो है गुलाब का ही फूल है, फिर दूसरे साइड पेड़ है, यहाँ पे छोटे छोटे केले भी फरे हुए हैं, और
और उस तरफ जो है नल है, अंदर जैसे लग रहा है गुफा के अंदर ना, लेकिन हाँ इस तरफ पेड़ उस तरफ पेड़ और बीच में नल पानी के लिए। तो ठंडा पानी है, बहुत ही ठंडा पानी है। ये देखो आम का पेड़। और मेरी इस गुड़िया रानी से मिल लीजिए, ये देखो क्या खा रही हैं, लड्डू खा रही हैं, खुशी है उन्हें दे रही हैं। मम्मी हैं, भैया हैं और सभी लोग दर्शन करने के लिए ऊपर गए हुए हैं। जानवी जी आप क्या लेके जा रही हो? जानवी ये भैया, ये देखो मम्मा बुला रही है। नहीं देखेंगी गाइस, नहीं मिलेंगी, आज तो इनकी मजे ही मजे हैं, मस्ती के मूड में है। तो चलो हम आप लोगों से थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात करते हैं, ठीक है। आज से दूसरी कटिंग की गई है मशीन से, हमें लग रहा है मशीन से कटिंग की गई है क्योंकि बहुत ही मुलायम है और चलने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे मखमल। तो खुशी बताइए घास जो है कटिंग की गई है ना? हाँ बोल रही है कटिंग की गई है। तो हमें लग ही रहा था कि ये जो है कटिंग की गई है क्योंकि इसमें जो देखो छोटे छोटे पंखुड़ियाँ निकली हुई हैं। यहाँ भी देखो गुलाब का पौधा लगाया गया है और इधर जो है बैठने के लिए बना, हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है। मम्मी ये मंदिर कहाँ पे है? पहतियापुर का है ये मंदिर। मैं तो मंदिर का नाम ही भूल गई कि हम मतलब दर्शन करने कहाँ आए हैं, पहली बार आए हैं। और मम्मी आ रही थी ना तो इसी वजह से हम भी आ गए हैं दर्शन करने के लिए। तो ये जो मंदिर है पहतियापुर में है, अगर आप लोगों को भी दर्शन करना है तो आ जाइए। और जो यहाँ के लोग हैं उन्हें पता ही होगा इस मंदिर के बारे में, हमें तो कुछ ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आया नहीं आया? अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके जाना क्योंकि आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना क्योंकि हम चाहते हैं जितने भी लोग के साथ आप शेयर करोगे उतने ही लोग इस भगवान की प्रतिमा का दर्शन कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। तो चलो चलते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और अब हम आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि हम जा रहे हैं दूसरे पार्क में घूमने के लिए। मैंने फर्स्ट ये वीडियो है और वीडियो जो है सेकंड रहेगा, तो आप लोग उस वीडियो को भी देखना। तो चलो चलते हैं, आप लोगों से बोलते हैं बाय।